नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुभम एंड गाइस आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर सो so फ्रेंड्स आज के इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप के अपडेट के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, है। यहाँ पर मान लो कि मैंने व्हाट्सअप पर इसे ओपन किया एंड मेरा जो ये नंबर है व्हाट्सअप का इसमें जो चल रहा है वो इस वाले फ़ोन में सेव नहीं है तो मतलब जो भी मैं मैसेज करूँगा वो अननोन नंबर के थ्रू यहाँ पर सेंड होगा तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो को यहाँ पर सेंड किया हुआ है एक मतलब डॉक्यूमेंट सेंड किया हुआ है तो यहाँ पर मैं इस वाले फ़ोन में जिसको ओपन करता हूँ व्हाट्सअप को तो यहाँ पर मुझे कुछ अलग चीज़ देखने को मिलती है एक बॉक्स देखने को मिलता है जो आपको अन नंबर से इंटरनेशनल नंबर या फिर जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उसमें आपको दिखेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नंबर जो आपका सेव नहीं है एंड आपका ना किसी ग्रुप में ऐड है तो यहाँ पर क्या होगा आपको एक सेफ्टी टूल्स वाला ऑप्शन मिलता है आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे आप रिपोर्ट कर सकते हो ब्लॉक कर सकते हो क्लिक करके एंड इसके अलावा आप लोग यहाँ पर सिंपली क्लिक करोगे तो आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है तो ये ऑप्शन आपको बाहर भी मिलते हैं आप इससे भी कर सकते हो बैल यहाँ पर आपको सेफ्टी टूल्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट्सएप को सेफ कैसे रखें मतलब कि सेफ उसका यूजर इंटरफेस सेफ कैसे रखें तो आपको कुछ यहाँ पे मतलब कि टूल्स दिए गए हैं जैसे आप इन्हें यूज़ कर सकते हो या फिर इनके अलावा आप यहाँ पे इस क्लिक करके पढ़ भी सकते हो मतलब जो भी आपको सेफली यूज़ करना है व्हाट्सअप उसके बारे में आप पे क्लिक करके अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हो तो इसके अलावा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फीचर की जो खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर इस नंबर से वीडियो सेंड की एंड यहाँ पर ये यह मैसेज जो आ चुका है अभी वीडियो यहाँ पर रिसीव हो चुकी है मैंने इस मैसेज को ओपन कर लिया है मतलब कि जो चैट है मैं से ओपन कर चुका हूँ तो यहाँ पर सामने वाले को क्या होगा उसको यहाँ पर ओपन होने के बाद चैट यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं दिखेगा सिर्फ डबल टी दिखाई देगा सामने वाले को ब्लूटूथ नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर एक सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ये फीचर इसमें ऐड किया गया कि वो आपको कोई मैसेज करे तब तक आप उसे सेव नहीं करते या फिर उस मैसेज पे रिप्लाई नहीं करते तो आपका वो ब्लूटूथ सामने वाले को नहीं दिखेगा इसमें क्या होगा कि सामने वाले को हमेशा ये लगेगा कि आपका मैसेज आपने रीड नहीं किया जो भी उसने भेजा था अब यहाँ पर क्या है जैसे मान लो कि मैं इस नंबर को सेव कर लेता हूँ या फिर इस नंबर पे कोई रिप्लाई कर देता हूँ जैसे मान लो कि ये नंबर है मैंने इसको यहाँ पर सेव कर लूँ क्लिक करके या फिर मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ जैसे मान लो मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ मैसेज तो ये एक रिप्लाई के फॉरवर्ड में मैंने भेजा है एंड ये सामने वाले के पास रिसीव भी हो रहा है अब सामने वाला क्या करेगा जैसे इसको ओपन करता है तो वो यहाँ पर अगर मुझे रिप्लाई करेगा तो जैसे मैंने इसको रिप्लाई किया उसके बाद वो जब मुझे दोबारा गेन मैसेज करता है तो उस मैसेज पर उसको डबल टिक दिखाई देगा इवन उसको ब्लू टिक भी दिखाई देगा तो सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं जब तक आप नंबर सेव नहीं करते या फिर सामने वाले को रिप्लाई नहीं करते तब तक, तक उसको ब्लूटूथ नहीं दिखाई देगा और ना ही उसको पता चलेगा कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है तो ये सिंपल सा फंडा है इसका आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो जिन लोगों को अन नंबर से मैसेज वगैरह आते हैं तो वो यहाँ पर अच्छी से सिक्योर रख सकते हैं अपने व्हाट्सएप के यूजर इंटरफेस को तो उम्मीद है आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा और ये छोटी सी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं शुभ लगाइ थैंक यू थैंक यू वॉचिंग मैं वीडियो